की सारी नहीं बतानी। अपना नंगे पैर हालत खराब है, यहाँ पे ना पैरों में कंकर भी चुभ रहे हैं। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया तो मैं सोचा चलिए रास्ते में ही व्लॉग शुरू कर दूंगी। तो अभी बस गांव से हम निकले ही हैं, पर ना पता नहीं चलता है कि कब बुलावा आएगा। सुबह तक जब मैं खाना बना रही थी ना तब तक भी मुझे नहीं पता था कि आज मुझे खाटू जाना है। अचानक से श्याम बाबा का बुलावा आया और बस हमारी तैयारी शुरू हो गई फटाफट। मतलब एक डेढ़ घंटे में ही हम लोग तैयार भी हो गए और घर से भी निकल लिए। तो जब बुलावा आता है ना, जब भगवान को दर्शन देने होते हैं तभी जाना होता है। वैसे प्रोग्राम कितना भी बनाओ जाया नहीं जाता है। तो वही अभी हम निकल चुके हैं और मेले में मैं पहली बार जा रही हूँ। मतलब ये जो फागुन का टाइम होता है ना, इस टाइम पे खाटू श्याम में बहुत जबरदस्त मेला लगता है। मेले के टाइम मैं फर्स्ट टाइम पे जा रही हूँ इस टाइम पे, और देखते हैं कि कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे या रिंग रस्ता कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। वो आगे जाके प्रोग्राम बनेगा, जब सब लोग मिल जाएंगे ना तब प्रोग्राम बनेगा कि कैसे जाएंगे। तो अभी पूरी टोली बनने वाली है और मस्ती से हंसते गाते बजाते हम लोग जाएंगे। चलिए अभी चलते हैं, एंजॉय करते हैं रास्ते को। और फागुन की ना सबसे अच्छी बात होती है कि मौसम बहुत सुहावना होता है, ना ज्यादा गर्मी है ना सर्दी है, बस बढ़िया बढ़िया सा मौसम है। लेकिन जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ ना तो मेरी हालत थोड़ी खराब हो जाती है, तो मैं आराम से लेट के सो के आराम से ट्रैवलिंग करती हूँ। बढ़िया सी नैप लेके मैं उठ गई हूँ और अभी टाइम हुआ है 12:30 बजे के आसपास का, और सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी हुई है। तो अभी मैंने इनको भेजा है कुछ खाने के लिए, लेके आएंगे। मतलब कुछ खाने के लिए नहीं भेजा, कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, तो फिर कुछ खाऊंगी। अब बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। और अभी पहले हम लोग अपने मामा के घर जाएंगे, मामा के घर सब लोग मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से खाटू जाएंगे। मैं जब भी आज तक खाटू गई हूँ ना, पहले अपने मामा के घर गई हूँ उसके बाद खाटू गई हूँ, क्योंकि बीच में पड़ता है मेरे मामा का घर और बहुत लंबी ट्रैवलिंग मैं नहीं कर पाती हूँ, तो बीच में एक छोटा सा स्टे भी हो जाता है, सबसे मिल भी लेते हैं। वहीं पे मम्मी पापा मेरे भाई भाभी सब लोग वहाँ पे आ गए हैं, तो वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी ना, तो मैंने सोचा कुछ भी ले लो खाने के लिए, लेकिन ले लो। तो सैटरडे संडे भी है, बेटी साथ नहीं आई है, वो घर पे ही है क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता ज़्यादा ट्रैवल करना। और घर पे कोई दिक्कत भी नहीं है, उसकी बुआ है, चाची है, माजी है, बच्चे हैं सारे, तो आराम से वो घर पे ही है। मैं और पति देव आए हैं दोनों, साथ में भाई है बड़ा, देखते हैं क्या लेके आते हैं। तो भाई अभी आ गया है मेरा खाना और ये लोग तो बाहर बैठ के ही खाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं है बाहर जाने का ना, अभी मुझे यहीं बैठ के खाना है आराम से। तो लस्सी और छोले भटूरे आप भी खा लीजिए। और खाने का ना असली मजा तभी आता है जब बहुत जोर से भूख लगी हो। अब मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई है, कुछ मीठा हो जाए। और अभी हम मेरे मामा के गांव में आ गए हैं। गांव ना बिल्कुल भी नहीं बदला है, वैसा ही है जैसा आज से 20 साल पहले था। और ये मेरे मामा का घर है, तो फटाफट से एंट्री करते हैं क्योंकि सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें बाद में पता चला कि आज जाना अचानक प्रोग्राम बना तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। और अभी ये मेरी मम्मी हैं और पीछे जो है वो मेरी नानी जी हैं, और ये मेरे भतीजे आ गए हैं। बहुत अच्छे। और भतीजा 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 भतीजा, ये नाराज किसने कर दिया भाई? बुखार हो गया इसके। चल अंदर चल अंदर बैठ। और ये मेरे पापा हैं, थोड़ी देर सब लोग यहाँ बैठे, उसके बाद हम लोग श्याम बाबा का जो दरबार लगाया हुआ है वहाँ पर चले गए हैं। मामा और ने ना श्याम बाबा का शिविर लगाया हुआ है सामने ही, तो यहाँ पर जो भी पदयात्री होते हैं उनकी सेवा करते हैं मामा जी, और हर साल लगाते हैं, बहुत रौनक रहती है। तो चलिए मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ। घर के थोड़ा सा आगे चलते ही इस तरह से खुली जगह है, वहीं पर ये शिविर लगाया हुआ है और ये मेरे मामा जी हो रहे हैं। जिसको फील्ड को लग रहा है, चार दीवारी कर दी फील्ड कर दे। अच्छा ये इधर की तरफ, अच्छा वो चार दीवारी जो कर रखी है।
खेत है। हाँ, और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये मेरे मामा के गांव के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल खेतों के पास ही है। हम जब छोटे थे ना तो बहुत जिद करते थे पहाड़ चढ़ने के, लेकिन कोई नहीं चढ़ने देता था, सब कहते थे गिर जाओगे, चोट लगेगी। और अभी चलते चलते शाम हो गई है, सूर्य देखिए अभी सूर्यदेव आज तो होने वाले हैं, तो सनसेट व्यू ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमने बहुत सुंदर सा एक गाँव भी देखा। हाँ, सुंदर है गाँव, बहुत सुंदर है सच में, है ना। फिर इतना गांव में इतनी छोटी छोटी गलियां बहुत कम देखने को मिलेंगी, है ना। ना मासली है बहन, एक मासली गांव है, तो एक मतलब डिजाइन किया हुआ गांव है। हाँ मासली, लेकिन ये तो राजस्थान की गांव, नॉर्मल गांव राजस्थान का। इतना सा आपने से बहुत पिछड़ा हुआ है एरिया ने जी। अभी हम आ गए हैं रिंगस, तो यहाँ पर पहले चाय पानी पियेंगे, उसके बाद फिर हम पैदल जाएंगे यहाँ से खाटू, तो खाटू की पैदल यात्रा हम लोग शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर चाय पानी पी के फिर बड़ों को और बच्चों को हम लोग रूम पे छोड़ देंगे और हम सब लोग यात्रा शुरू करेंगे। और यहाँ से हमें पैदल यात्रा शुरू करनी है, तो देखिए यहाँ पे ना ये ध्वजा मिलती है इस तरह की, दिख रही है ना पीछे ध्वजा, तो ये ध्वजा उठा के हम लोग चलने वाले हैं अभी। और ये कुंडली बांध लिए मैंने, और ये हम लोग यहाँ से निशान ले रहे हैं। कौन सा लेना है? नीला। कैसे लाल रंग का दे भाई हमें तो? लाल दू? हाँ, भगवा भगवा कलर में जो। अरे सिकी जाए। तो अभी हमने इस खाटू के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है, रिंगस से हम लोग पैदल जा रहे हैं, लगभग 18 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से खाटू का। और कहते हैं कि अंदर ज़्यादा घुमाया हुआ है, तो देखते हैं कि कब दर्शन होते हैं। रात को 10 बजे हमने यात्रा शुरू की है और अब हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ, श्याम बाबा की तरफ। तो चलिए आपको भी मैं अपनी पदयात्रा में शामिल कर लेती हूँ, सब लोग गाते बजाते चलेंगे और बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। और भाई हम दोनों ने जोड़े से एक ध्वजा उठाई है ताकि मिलजुल के आसानी से हम पूरा सफर काट लें। भीड़ बहुत है सच में, बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये है हमारी ध्वजा, हमारा निशान, श्याम बाबा, ये चलती है। सच में बहुत भीड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। पैदल चलने में भी मजा आता है, तो सब लोग साथ चले ना तो अच्छा लगता है। और गिरिराज जी की परिक्रमा तो मैंने बहुत बार की है, पर खाटू में पहली बार इस तरह से पद यात्रा करके जाऊंगी, अच्छा लग रहा है बहुत। सारे में ना ध्वजा 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 ध्वजा, जय श्री श्याम, सब जगह है ना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट में चल रहे हो ना, हर जगह ध्वजा 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 ध्वजा, है ना, सबके हाथ में भी और साइड में भी, है ना। जय श्री श्याम। श्री खाटू श्याम जी मेले में पधारे, आप सभी श्याम भक्तों का नगर पालिका एवं उपखंड प्रशासन रिंगस हार्दिक स्वागत करता है। वो भी ले लो पट्टी, श्याम बाबा वाली पट्टी ले लो, वो भी बांध के चलेंगे। और वो मेरी भाभी है, ये मेरे भाई भाभी है, ये दोनों भी पैदल जाएंगे। इन दोनों ये कभी नहीं बनती है। ये सारे पैदल जाएंगे, सारे नहीं पता, नहीं सारे नहीं पता, हंसी मजाक तो चला ही करे ना। अच्छी भीड़ है मैम, बहुत भीड़ है, पर अच्छा लग रहा है चलते हुए ना। चुप हो गए, चल रहे हैं हम तीनों, बहन भाई हैं, भाभी है, पतिदेव है सर।
रहे हैं। बाकी मम्मी नानी वगैरह सब रूम पे हैं, उनको पहले हमने भेज दिया गाड़ी में, वो पैदल नहीं चल पाएंगे बच्चों के साथ, है ना। ये वो चिरंजीव है जिनका ये सब आगे होती तो लिखा हुआ था चिरंजीव विजेंद्र। हाँ ये वो है। और वो हरी सी सब आगे होती है अन्नू। ये दोनों है भाई भाभी। छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे भी और ये तो आज है, जबकि आज 16 तारीख है ना, 16 हो गई, 17 हो गई, 12 बज चुके और अब 19 और 20 तारीख को तो जगह नहीं होगी पैर रखने की, इतनी ज्यादा। और देखो ये सारे शिविर लगे हुए हैं सेवा के लिए, ये सब ये सजावट। और अभी आज तो 16 तारीख है, 18, 19, 20 तीन दिन तो बहुत भयंकर भीड़ रहने वाला है। हमारा बुलावा थोड़ा जल्दी आ गया और पहली बार बुलावा आया है। चल दिए हम भी, आगे दिखाती हूँ, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है, पूरा रास्ता सजाया हुआ है लाइटों से ना। ये देखो लाइटें, बड़ा पंडाल लगा हुआ है ये। चांद भी हमारे साथ साथ ही चल रहा है ध्वजा लेके। भाई हमने खाटू के लिए पद यात्रा 10 बजे शुरू की है, अब देखते हैं कि किस टाइम तक पहुंचेंगे, और अभी 11 बजने वाले हैं, एक घंटा हो गया हमें चलते हुए। चलिए भैया अभी चल रहे हैं, अब ज्यादा भीड़ आ गई है ना। बस ऑन कर रखिए ना। कुर्सी तो मेहनत करे, कुर्सी ना मिले। अब चलती है चाय पानी पी के, चलो उठा ली। बैठ के थोड़ी देर फिर चलो ना, तो ज्यादा थकावट होती है पैरों में, लगातार चलते रहोगे इतना कुछ नहीं है। पर हमें चलते कितनी देर होगी, 3 घंटे तो हो गए होंगे ना, 2 या 3 घंटे हो गए, देखते हैं किस टाइम तक पहुँचेंगे। अब हमारी यात्रा रह गई 3 किलोमीटर के आसपास की, और अब हम बैठेंगे फिर से चाय पियेंगे। नानक कहाँ पे आ गए हैं अभी? तो बैठने में दिक्कत हो गई।
तो नहीं पर नींद आनी शुरू हो गई। सो गई तो फिर भाई अब चलो उठो। आ गया आनंद तो चलो चलो दोबारा चल दिया। अब 3 किलोमीटर की बात है बस, उसके बाद तो हम पहुंच ही जाएंगे और जल्दी आ गए हम, वैसे बहुत ज्यादा देर नहीं लगाई। तो भाई चलो भाई चलो 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 श्याम सरकार की। ये आ गया तोरण द्वार, यहाँ से दिख रहा होगा, और ये आ गए हम खाटू, पहुंच गए हम। क्या टाइम हुआ होगा अनु, टाइम क्या हुआ? 3 बज गए, 10 बजे चले थे हम और 3 बज गए। अंदर अंदर कम से कम 3-4 किलोमीटर हो गए हमें चलते चलते, अब हालत बुरी हो गई, अब चलने में दिक्कत हो रही है। अपना नंगे पैर हालत खराब, यहाँ पे ना पैरों में कंकर भी चुभ रही है। खाटू के अंदर अंदर बहुत ज्यादा घुमा दिया, मतलब बाहर से आने में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी खाटू के अंदर, क्योंकि कंकर बहुत परेशान कर रही है यहाँ पे ना। अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, अब लग रहा है जल्दी से दर्शन हो जाए बस, अब हालत खराब है। इस मिट्टी में चल रहे हैं ना तो फिर भी थोड़ा सा आराम पड़ रहा है इसमें, मिट्टी पे फिर भी थोड़ा सा आराम है ना, पैरों में कंकर नहीं है कम से कम। अभी तो उधर भी जाना है, अभी तो ये यहाँ से ही घूम के और उस ट्रेन के नीचे भी जाना है। ये है लाइन, इसके बाद भी कोई लाइन है? ये है लाइन, लग गई लाइन। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और अभी ना हम श्याम बाबा के मंदिर के बिल्कुल सामने आ गए हैं, दरबार के बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो बीच में जो आपको भव्य सा दरबार दिख रहा है ना, ये श्याम बाबा का दरबार है। पहले मैंने फ़ोन थोड़ा नीचे कर दिया था क्योंकि मैं खुद दर्शन करना चाहती थी श्याम बाबा के, और जब मैंने दर्शन कर लिए उसके बाद मैंने सोचा चलिए आप सबको भी दर्शन करा देती हूँ। जय श्री श्याम, आप एक बार ज़रूर आना श्याम बाबा के दर्शन करने। बहुत बढ़िया। तो आपके साथ वाली माता जी मीना देवी अभी अभी मंदिर कमेटी पोस्टाज कार्यालय के सामने पहुंची है। आप मंदिर कमेटी पोस्टाज कार्यालय के सामने पहुंच गए, दर्शन हो गए हैं। मीना देवी को अपने साथ ले जाए। जय श्री श्याम। अब मम्मी पापा के पास चलते हैं, वो लोग रूम में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ कचौरी खाते हैं, चलिए अभी कचौरी खाएंगे। अगर इस टाइम मिलेंगी तो मुझे लग रहा है पता नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हाँ तो खत्म हो गई है,
अभी हम दूसरी जगह पता कर रहे हैं। तो हम लोग रिंगस से चले थे रात को 10 बजे, सुबह 5 बजे हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए हैं और अब हम चले जाएंगे अपने रूम पर। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, श्याम बाबा के दर्शन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।